है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग ना बहुत ज्यादा अतरंगी सा होने वाला है, ठीक है। ये आज का व्लॉग में मैं क्या करने वाला हूँ वो अभी आपको पता चल रहा है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ना इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे को कुत्ता का फोटो भेज देते हैं ना, तो मैं उस पे रिएक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। और लोग जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसी का मैं रिप्लाई दूंगा आज। यस, अच्छा दीदी ने अभी ऑडियो पकड़ लिया, ठीक है। मेरे हाथ से बार बार हिल जाता है इस साइड से। यस यस दीदी दीदी, हाँ। तो शुरुआत करते हैं पंकज जी से। मेरे को उन्होंने मेंशन किया था तो मैंने भी उनको मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी स्टार्टिंग करते हैं आरजे जी से। वाह, लैब्राडोर पाला है आपने, वाह बहुत अच्छा। मेरे डॉग का बर्थडे था, हिज नेम इज रेक्स। अच्छा रेक्स नाम है, अच्छा अच्छा लैब है भाई, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा फोटो भेज दिया, काला कलर का कुत्ता है, बहुत बढ़िया। वाह ये भी अपना ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है बढ़िया। हे या, आई लव योर वीडियोस एंड योर फैमिली एंड डिफरेंट से कब मिल रहे हो? जल्द मिल रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मेरे को कोई पीछे देने वाला है नहीं, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो जूही गुप्ता जी ने लिखा, अयाची यू आर द मोस्ट फनीस्ट पार्ट इज ई पकड़ पकड़ पकड़। यस पकड़ पकड़। यश शर्मा जी ने भेजा है, यार कुत्ता का फोटो मत भेजो यार, प्लीज कुत्ता का फोटो मत भेजो यार। दीदी तेरे को पता है सब ना लैब्राडोर का ही फोटो भेज देता है, ठीक है कोई बात नहीं, कुत्ता आने दो मेरे घर में। ब्रोसी व्हाट डिफरेंट इज डूइंग, तुम्हारी याद में पगला गया है बेचारा। ओह माय गॉड, इनको भी रिप्लाई अभी हम दे ही देते हैं। कोई बात नहीं भैया जी, आप इसका ध्यान रखिए तब तक। और प्रियंका जी ने मेरे को मेंशन किया था, इनको भी मेंशन बैक कर देते हैं हम। यस, प्रशांत जी ने कुत्ता का वीडियो भेजा है मुझे। बेचारा बहुत गंभीर से बैठा हुआ है, इसका खुद खाना पीना खिलवा दीजिएगा। यस रोहित जी ने, बाप रे बाप, नहीं पढ़ रहा मैं, कोई बात नहीं, इतना बार मैसेज मत करिए भैया, पढ़ने बहुत टाइम लग जाता है। बाप रे बाप, जब मैं फ्री हूँगा ना रात में सोऊंगा तब जाके ध्यान से पढ़ूंगा, कोई बात नहीं छोड़ो अभी। पुष्पम जी ने ना मेरे को बोला है, हे ब्रो। तो हे ब्रो का दीदी आंसर मैं कह दूँ? हाय ब्रो, यस कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इनको लिखते हैं हाय ब्रो, ठीक है। अब अका कुनल जी ने, यो चाचा चलो डिफरेंस से मिलने। चाचा आपने मेरे को बोला है, कोई बात नहीं। नंदिनी जी बोल रही हैं, सब ठीक है, इनको अभी रिप्लाई देते हैं। हाँ जी, ऐ यार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब है, रुक जा रुक जा। बाप रे, आपको पता है ये जो पीजन लोग है ना बहुत बदतमीज है यहाँ का। यहाँ पे जैसे बैठता है पॉटी करके चला जाता है, इसका तो कोई धनोसा नहीं है, साफ करना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं किसी पीजन को ना टपन ही नहीं देता अपने घर में। रेखा जी बोल रही है कि व्हाट्स ऋषभ कंडीशन अबाउट बोर्ड एग्जाम, इनको भी अभी रिप्लाई दे देते हैं। वो अभी मजे में है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई शुरू हो जाएगा। अमित अनुराग जी ने मुझे लिखा है, अयाची भाई डॉगी कुरियर करा दूं क्या? मेरे यहाँ बहुत से डॉगी हैं, बहुत सारे डॉगी हैं। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे में, आज तक मैंने किसी से चैटिंग नहीं की ना, इसलिए हम अच्छे बच्चे हैं। भैया जी मुझे काला वाला चाहिए। रसिक जी ने, ये कुत्ता मेरे को जन्म से पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कुछ रिप्लाई नहीं देना, मैं आपसे नाराज हो गया हूँ। डीएक्स जी ने भेजा है मुझे कुत्ता का फोटो। भाई यार, कुत्ता का फोटो दोबारा भेज दिया आप। ऋषिकेश धोते जी, आज के ब्लॉग में कमेंट क्यों ऑफ हो गया? अरे हाँ, जो यूट्यूब वाला लोग है ना, मेरा बार बार कमेंट ऑफ कर देता है, पता नहीं क्यों। आपको पता है यूट्यूब वाला लोग ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है आजकल, मेरा कमेंट जाके ऑफ कर देता है, पता नहीं मेरे से इसका क्या लड़ाई हुआ हुआ है। यूट्यूब वाला लोग प्लीज कमेंट ऑफ मत करो यार, मैं दोस्त से बनना चाहता हूँ अब, लड़ाई खत्म। मतलब कमेंट सेक्शन खोल दिया करो, आनंद आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा आपको आनंद आता है, वैसे आपकी मर्जी, छोड़ना ठीक है छोड़ना, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौरव धवन जी ने बोला है, राम राम अयाची भैया, आज के ब्लॉग दिन में 3 बार देखता हूँ, मेरे पूरे नेट आप लोग के ब्लॉग देखने में चला जाता है।
और हम आत्मनिर्भर बन कर रहेंगे, ठीक है, इनको हम रिप्लाई देते हैं, राम राम गौरव भैया यस, ठीक है, पहले इनको इमोजी भेजो, यस। हाँ तो मैंने इनको रिप्लाई दिया है, राम राम गौरव भैया, भैया जी इतना भी हमारा व्लॉग मत देखिए। हाँ बाप रे, पाँव बैठे बैठे ना दर्द हो गया, ऐसे करके पढ़ते हैं। अच्छी तरह जी मेरे को भेजी हैं, डीएम तो कर दिए, पर आप तक पहुँचेगा? पहुँचेगा क्यों नहीं पहुँचेगा, आप भेजेंगे तो पहुँचेगा ही, वैसे भी हम सपोर्टवादी हैं, यस हम सपोर्टवादी हैं। उसके बाद ये वाला इमोजी रुकिए, यस हम सपोर्टवादी हैं। निशी सिंह जी ने मेरे को फर्स्ट जो डीएम किया है वो कुत्ता से ही किया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम सबका देख रहे हैं, सबका नाम रडार पे आ रहा है। यार कुत्ता कितना क्यूट है दीदी, आया थी सी क्यूट डॉग, ही इज चीकू माई फ्रेंड्स पेट। आपके फ्रेंड्स का कुत्ता मुझे क्यों भेज रही हैं आप, पहले आप ये बताइए मुझे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट नाउ आई एम वॉचिंग योर टूडेज ब्लॉग, सो आई थॉट कि टीज करूँ अयाची को, टीज करना है मुझे आपको। अच्छा रुक जी, आर सी जी ने मुझे लिखा है, हाय सनी आपका एज बता दो। एज नहीं बताऊंगा भाई, एज नहीं बताऊंगा, बिग फैन, और मेरे को कुत्ता का फोटो भेज दिए। कार्तिक गुलाटी जी मेरे को भी लिख रहे हैं, हाय अयाची मैं आप तीनों भाई बहन के बहुत बड़ा फैन हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वह भी आपकी तरह एक डॉग लवर हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा है बहुत अच्छा है, भै भै यस वी आर ट्रू भै भै। आपको वैसे कौन सा डॉग की ब्रीड चाहिए? भाई जो आ जाए ना पहले वो ही ले लूँगा, अब तो भाई पारा ना अब चढ़ चुका है, अब कोई भी कुत्ता आएगा ना घर में कोई भी मैं उसको रख लूँगा। और एक बात कहूँ कि आपके घर में और मेरे घर में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि आपके घर में भी अमूल का दो नहीं नहीं बीच बीच में मदर डेरी का भी आ जाता है, इनको वही चीज लिख देते हैं हम, हमारे घर में कभी कभी डेरी भी आता है। तो आज का सीरीज जो है मैं इतना ही भी समाप्त करता हूँ, ठीक है, अगले सैटरडे को ना इससे आगे का देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मैं थक चुका हूँ, मेरा पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ का व्लॉग ना यहीं भी समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मम्मी आपके ना पायल का आवाज़ आ रहा है, यस हाँ, तब तक के लिए ना आज का सीरीज यहीं भी टाटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आज का व्लॉग ना यहीं भी समाप्त करते हैं, बाय बाय, मैं पाँव में दर्द हो रहा है।